नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, आज जो मैं आपको उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, यदि इस उपाय को सच में आपने मन से किया, हमेशा आपके सूर्य मजबूत रहेंगे, मतलब आपका व्यक्तित्व जबरदस्त रूप से प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा। आप जहां भी कदम रखेंगे, लोग आपका लोहा मानेंगे, आपकी बातों को मान्य रखा जाएगा, आपका रिस्पेक्ट होगा। हाँ, शत्रु जब भी आपके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटी होती है, थोड़ी ज्यादा होती है, तो नेचुरली ईर्ष्या करने वाले लोग भी कुछ ज्यादा ही प्रमाण में डेवलप हो जाते हैं। तो आप कभी भी ऐसे लोगों की परवाह ना करें, क्योंकि जिनके भी सूर्य मजबूत होते हैं दोस्तों, उनके शत्रु यूं भी आज नहीं तो कल उन्हें खत्म होना ही होना है। और यदि आपके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटी है, तो नेचुरली आपके विरोधी पैदा होंगे, तो विरोधियों से बिल्कुल भी आप भयभीत ना हो। सिर्फ आप ये देखें कि आपके अंदर पावर डेवलप हो रहा है, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बन रहा है, आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, धन आपके पास आ रहा है। सूर्य दोस्तों ग्रहों के राजा हैं। जिसके भी सूर्य मजबूत है, उस व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति जल्दी से अवॉइड नहीं कर सकता। तो एक छोटा सा उपाय बताने के लिए जा रही हूँ सूर्य को मजबूत रखने के लिए, और ये उपाय दोस्तों रामबाण उपाय है, जरूर करें। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। तो आपको क्या करना है, गेहूं के दाने लेने हैं। अब आप गेहूं के 10 दाने भी ले सकते हैं, और आप 10 चुटकी गेहूं भी ले सकते हैं। 10 चुटकी गेहूं ले या 10 गेहूं के दाने ले, ठीक है। सूर्य दोस्तों पूर्व दिशा की तरफ से उदय होते हैं। पूर्व दिशा जो है, ये दिशा आपके भाग्य को चमकाने वाली दिशा है। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आप जो भी उपाय करते हैं, जो शब्द बोलते हैं, लंबे समय तक उस चीज का आपके ऊपर असर रहता है, लंबे समय तक उसकी रसर आपके ऊपर रहती है। और ये चीज दोस्तों आपके जीवन को मजबूत बनाती है। ये दिशा आपके जीवन को मजबूत भी बनाती है, शुद्ध बनाती है, सात्विक बनाती है, पवित्र बनाती है, आपके जीवन को उद्धर्व गति की ओर लेकर के जाती है, ठीक है। यदि आपका मकान जमीन पर है, नीचे है, और आपके घर की तरफ, घर में मतलब पूर्व दिशा कच्ची है, थोड़ी ज्यादा जगह हो, तो आप 10 दाने गेहूं के अलग अलग जगह पर, मतलब पूर्व दिशा में ही आप लाइन से लगा दें। और गेहूं जब उसमें से उगते हैं, आप उसका इंतजार करें। रविवार रविवार स्पेशली आप उस पर कुमकुम चढ़ाएं या लाल चंदन चढ़ाएं, पूर्व दिशा की तरफ खड़े होकर के रोज सूर्यदेव को जल दें। जिन्हें नौकरी की प्रॉब्लम है, बेरोजगार है, वे लोग सूर्यदेव के जल में हल्दी जरूर डालें, और एवरीडे पूर्व दिशा की तरफ खड़े होकर के सूर्यदेव को जल दें। और जो 10 दाने आपने लगाए हैं, उनकी पूजा हर रविवार जरूर करें, ठीक है। जो लोग फ्लैट में रह रहे हैं, वे लोग मिट्टी का एक छोटा सा गमला ले लें और उसमें 10 चुटकी गेहूं के दाने डाल दें। जैसे ही वो दाने फूट करके ऊपर आते हैं, हर रविवार जैसे हम घर में जवारा लगाते हैं, इसी टाइप से आपको उस गमले में गेहूं लगा देने हैं, और हर रविवार लाल चंदन या लाल कुमकुम से उनकी पूजा करनी है। मतलब आप एक घी का दिया लगाएं, अगरबत्ती लगा दें, थोड़ा सा शुद्ध जल अर्पित करें। और यदि आपके घर में गंगा जल है, तो हर रविवार गंगा जल पानी में डाल करके आप जवारों को सींचें। जब तक ये जवारे आपके घर में लगे रहेंगे दोस्तों, आपका व्यक्तित्व
मजबूत और भी ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा। जब आपको ऐसा लगता है कि अब हमें दूसरे गेहूं लगाने की आवश्यकता है, तो जो पुराने वाले जवारे हैं उसमें से 10 आप निकाल ले दाने और उनको निकाल करके आप अपने पर्स में रख लें। जिन लोगों ने 10 दाने ही लगाए हैं वो उसमें से सिर्फ एक दाना निकाले और अपने पर्स में रखें। हमेशा आपका पर्स भरा रहेगा। मतलब कि आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता दूं तो आपको अपने घर की पूर्व दिशा में हमेशा गेहूं के दाने लगा करके रखने हैं। रविवार के दिन दोस्तों, यदि जहां पर भी आपके घर में गेहूं का डिब्बा है, जिस डिब्बे में आपने गेहूं भर करके रखे हैं, स्टोर करके रखे हैं, या आटे का डिब्बा, उसके ऊपर घी का एक दीपक अवश्य ही जला दें। इससे भी हमेशा आपके सूर्य मजबूत रहते हैं और आपका व्यक्तित्व जबरदस्त रूप से प्रभावशाली बना रहता है। तो ये छोटा सा काम रविवार के दिन जरूर करें, बहुत ही अच्छे आपको अनुभव होंगे, करके देखिए। और कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों गलती से भी कॉन्टेक्ट ना करें। उपायों को करते रहें और खुश रहें। जय श्री कृष्ण।